बीएसटीसी से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी के द्वारा आपके रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अब 8 तारीख से आपको महाविद्यालयों का चयन करना है। कॉलेज का चयन करते समय आपको बहुत कुछ सावधानियां रखनी है। साथियों, आज की ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको कॉलेज का चयन किस प्रकार से करना है। कॉलेज चयन करते समय आपके द्वारा क्या क्या गलतियाँ अक्सर कर दी जाती हैं। कॉलेज आवंटन पर आपको कितनी फीस और जमा करानी होगी। कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करवाएं। कॉलेज रिपोर्टिंग क्या है। कॉलेज रिपोर्टिंग के समय आपको किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। उन दस्तावेज़ों को आप अभी से तैयार करके रखें। इसलिए इन समस्त जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आज हमारी इस वीडियो के साथ में अंत तक। साथियों, हमारे चैनल पर यदि पहले बार विजिट कर रहे हैं तो बीएसटीसी 2019 की संपूर्ण प्रक्रिया जानने के लिए, साथ ही सत्र पर्यंत होने वाली समस्त अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, बीएसटीसी पीटीटी के साथ हमारे चैनल पर आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। अब हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेजों का ऑप्शन चूज करना है। कॉलेज ऑप्शन चूज करने की आपकी जो डेट है वो 8 जुलाई रखी गई है। 8 जुलाई से आपको कॉलेजों का चयन करना है। साथियों, आपको बता दें कॉलेज चयन करते समय आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने गृह जिला के समस्त कॉलेजों को अपनी प्रायोरिटी के अनुसार देना है। जो आपका निकटतम कॉलेज हो उसको सबसे पहले देवें। कॉलेज की लोकेशन एबर नेट से और भौतिक रूप से आप आवश्यक रूप से पहचान लेवें, क्योंकि बाद में आपको समस्या आती है कि ये कॉलेज नज़दीक था लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वह कॉलेज काफ़ी दूर होता है। इसलिए कॉलेज का रूट कि वहाँ पर क्या साधन है, क्या रहने की व्यवस्था है, एक बार प्रायोरिटी देने से पहले आप जरूर चेक कर लेवें, अन्यथा बाद में आपको समस्या आती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, आप कॉलेज का ऑप्शन चूज ई मित्र पर जाकर अक्षर करते हैं तो वहाँ हड़बड़ाहट में कई बार अक्सर ये गलती हो जाती है कि आप W जो कोडिंग वाले कॉलेज हैं उनको चयन कर लेते हैं। आपको फिर रिपीट कर दें साथियों, आपको ये C कोडिंग वाले कॉलेजों को चयन करना है यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो। महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको सर्वप्रथम इस W वाले ऑप्शन को ही चूज करना है। इसलिए पुरुष जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें, जब भी आप कॉलेजों का ऑप्शन चूज करें ई मित्र वाले के पास स्क्रीन के सामने बैठ जाएं और उन्हीं अपने निकटतम कॉलेजों को चूज करें जो सी कोडिंग वाले हैं। भूल कर भी W कोडिंग वाले कॉलेजों को चूज नहीं करें। आपको बता दें कंप्यूटर पर जब आप कॉलेजों को चूज करेंगे तो वहाँ आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, वहाँ आपको कॉलेजों के जो ये कोड है उसके साथ में यहाँ पर W और C बीच में दिखाई देगा। तो भूल कर भी आपको फिर बता रहे हैं साथियों, बार बार आपको इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि PTT में भी कई साथियों की ये गड़बड़ी हो चुकी है और गत वर्ष भी ऐसी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। तो इस प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए और आपको दूर कॉलेज मिले, इस समस्या से दूर रहने के लिए आप सी कोडिंग वाले कॉलेजों को ही चूज करें। और भली भांति एक बात और जान लेवें कि आपके पास 3 प्रकार की कैटेगरी के कॉलेज हैं, जनरल कैटेगरी, संस्कृत डिपार्टमेंट और अल्पभाषा के कॉलेज। तो आपको केवल जनरल कैटेगरी के कॉलेजों को ही चूज करना है, क्योंकि साथियों आपको बता दें संस्कृत डिपार्टमेंट के जो कॉलेज हैं वो टोटल 16 हैं। इन 16 कॉलेजों में से 6 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो 10 पुरुषों वाले कॉलेजों में महिला अभ्यर्थी भी काउंसलिंग करा सकती है। अल्पभाषा के कॉलेजों की बात करें तो वो 4 ही हैं और उन चारों के चारों कॉलेज अजमेर में स्थित है, इसके अलावा राजस्थान में कहीं भी नहीं है। कॉलेज ऑप्शन के बाद में साथियों, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 3,000 रुपये। साथियों, अब की बार पहली बार इस 2,000 को हटा करके और रजिस्ट्रेशन की फीस 3,000 रुपये की गई है। 3,000 की ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपको 5 तारीख से ही, जो आपकी डेट है उसी से प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 8 तारीख से आपके लिए कॉलेजों को चूज करने का
ऑप्शन भी खुल जाएगा, अर्थात आपको 8 तारीख से महाविद्यालयों का चयन करना है। महाविद्यालयों के चयन के पश्चात आपके लिए महाविद्यालय जो अलॉट होगा उसकी सूची नेट पर आपको 18 जुलाई को मिल जाएगी। कहने का अर्थ है कि 8 जुलाई से और 13 जुलाई तक आपको कॉलेज ऑप्शन चूज करना है। 13 जुलाई अंतिम दिनांक है, इसके बाद इसके बाद में आप कॉलेजों का ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो कॉलेज आवंटित होगा उसकी पहली सूची 18 जुलाई को जारी होगी। इसके बाद साथियों आपको बता दें 19 जुलाई से और 13 जुलाई तक आपको जो शेष बची हुई फ़ीस है वो कितनी, वो भी हम आपको बताएंगे कि 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये तो 5 जुलाई से, और आपको जमा करानी है 12 जुलाई तक। इसके बाद जो कॉलेज आवंटित हो जाएगा तो कॉलेज आवंटन के बाद शेष राशि आपको 19 जुलाई से और अगली डेट 23 जुलाई तक जमा करानी है। इसके पश्चात आपको उसी दिन आपको कॉलेज में जाने का मौका होगा। 19 जुलाई से 24 जुलाई तक आपको कॉलेज में जा करके और वहाँ पर रिपोर्टिंग करानी है। अपवर्ड मूवमेंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आवंटन कैसे होता है, इसके लिए हमारी अगली वीडियो को आप ज़रूर देखिए। साथियों ये अपवर्ड मूवमेंट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब 18 जुलाई को आपको कॉलेज का आवंटन हो जाएगा तो 19 जुलाई को आपको 14,000 रुपये की फ़ीस, 14,555 रुपये की फ़ीस तैयार रखनी है। इसके साथ ही आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज यदि डाइट है तो 5,000 रुपये और प्राइवेट कॉलेज है तो 10,000 रुपये आपके अतिरिक्त और रखेंगे, तो लगभग आपको यदि आपका निजी कॉलेज है तो 25,000 रुपये और तैयार रखने हैं शेष फीस जमा कराने की तिथि 19 जुलाई के दौरान। तो साथियों अब हम आपको बता देते हैं कि ये 5,000 रुपये की फ़ीस किस प्रकार से ली जाती है। इस 5,000 रुपये की फ़ीस में स्काउट के 1,060 रुपये, DDMC विकास शुल्क के 2,500 रुपये, एग्जाम फीस के नाम से 280 रुपये, अन्य शुल्क के नाम पर 200 रुपये, बैग के नाम पर 200 रुपये, डाइट बुक के नाम पर 550 रुपये, कॉलेज ID के नाम पर 50 रुपये और कॉलेज ड्रेस यदि एक लेते तो 500 और दो लेते तो 1,000 रुपये। इस प्रकार से डाइट में आपके 5,000 रुपये लग जाते हैं। यदि कॉलेज निजी है तो आपके इन्हीं फीसों में वृद्धि करके आपकी फ़ीस लगभग 10,000 रुपये ले ली जाती है। अब यहीं पर साथियों आपको सेकंड ईयर की फ़ीस का भी थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं। सेकंड ईयर फीस में 9,000 रुपये आपके शिक्षण शुल्क लगने वाले हैं, 7,250 रुपये छात्र कोष के नाम पर लिए जाते हैं। इन 7,250 की डिटेल आपको दिखा देते हैं। इनमें पंजीयन शुल्क 100 रुपये, क्वेश्चन मनी 100 रुपये, बिजली पानी 1,500, गृह परीक्षा 500, खेलकूद 500, वाचनालय के 500 रुपये और प्रयोगशाला के 500 रुपये, शैक्षिक तकनीकी के 700 रुपये, कंप्यूटर के 800 रुपये और आकस्मिक वैक के 1,750 रुपये लिए जाते हैं। इस प्रकार से छात्र कोष के नाम पर आपसे कुल ये 7,250 रुपये लिए जाते हैं और 9,000 रुपये आपके ट्यूशन फीस हो जाती है, शिक्षण शुल्क हो जाता है। तो साथियों ये इस प्रकार से 16,250 रुपये सेकेंड ईयर की फ़ीस। अब इसके साथ में लगने वाला है आपके 5,000 रुपये और अतिरिक्त यदि गवर्नमेंट कॉलेज है तो, निजी कॉलेज है तो लगभग 10,000 रुपये। इस 5,000 रुपये की फ़ीस का विवरण आपके सामने इस प्रकार से है। साथियों आपको बता दें इसके अलावा भी आपसे 250 रुपये अकादमिक संबल के रूप में फ़ीस ली जाती है। तो ये थी आपके फ़ीस की डिटेल जो रजिस्ट्रेशन के बाद में कॉलेज आवंटन के समय ऑनलाइन आपको जमा करानी होगी। साथियों फ़ीस जमा कैसे करानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इसको भी आप एक बार अवश्य देख लीजिए। इसकी वीडियो भी आपको ज़रूर इसके जस्ट बाद मिल जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते समय भी आपको ऑनलाइन ऑप्शन कैसे चूज करना है यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। साथियों अब हम आपके अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको कॉलेज रिपोर्टिंग कब करानी है, कैसे करानी है और कॉलेज रिपोर्टिंग इसमें क्या दस्तावेज आवश्यक हैं। साथियों जैसे ही आपको 18 तारीख को कॉलेज आवंटित होगा, 19 तारीख से आप कॉलेज की फ़ीस जमा कराएंगे और फीस जमा कराते ही आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग का मौका भी मिलेगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग का अर्थ है कि आपके मूल दस्तावेज अब कॉलेज में जांच किए जाएंगे और कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज की फ़ीस जमा करानी होगी। साथियों कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग कराते समय जिन जिन डॉक्यूमेंटों को रखना है उनमें ध्यान रखना, बैंक चालान की प्रति, ऑनलाइन पेमेंट, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और कॉलेज
आवंटन के पश्चात जो आपकी शेष 14,555 की फीस थी उसकी रिसिप्ट आपको रखनी है। आवेदक द्वारा घोषणा का सीधा शर्त है कि आपको एक फॉर्मेट ऑनलाइन उपलब्ध होगा जिसमें आप स्वयं एक शपथ पत्र के रूप में घोषणा करेंगे। वह घोषणा पत्र और आपका मूल आवेदन पत्र ऑनलाइन का आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की मूल अंक तालिका और सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके बाद में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों को सेकेंडरी से स्नातक की शिक्षा राजस्थान से प्राप्त किए उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए, विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी आपको देना होगा। तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय अथवा डिग्री की प्रमाणित प्रति एवं पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी आपको देना होगा। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक या उसके आश्रित होने पर सक्षम अधिकारी जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं साथियों, जिन्हें आप बिल्कुल तैयार रखें। कॉलेज रिपोर्टिंग के समय आपको इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। साथियों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दे करके ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो BSTC से संबंधित और तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में साथियों हम लेकर आ रहे हैं कि आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, रजिस्ट्रेशन की प्रत्येक स्टेप का लाइव डेमो, ऑनलाइन फीस जमा कैसे करवाएं, फीस जमा कराते समय आपको कौन सा विकल्प चूज करना है, और इसी के साथ में BSTC काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट किनको करवाना है, क्या आपको भी अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना है और अपवर्ड मूवमेंट में आपको क्या सावधानियां रखनी है, इन समस्त जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि जस्ट इसके बाद में ये दोनों वीडियो आने वाली हैं। ये वीडियो आपसे मिस नहीं हो साथियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो अपलोड होती आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।